हेलो एवरीवन गाइस, फाइनली वैकेंसी आ गई है कतर एयरवेज से बनने के लिए ग्राउंड स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दिनों के बहुत लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आई है। तो अगर आपको बनना है ग्राउंड स्टाफ डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस में, कहाँ डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस में, तो दोस्तों ये जॉब अवेट बेनिफिशियल रहने वाली है। दूसरी चीज, ये वैकेंसी सिर्फ 12th पास वालों के लिए। तो अगर आप क्लास 12th पास हो, बनना चाहते हो इंटरनेशनल एयरलाइंस के एम्प्लॉय और कमाना चाहते हो बहुत ढेर सारा पैसा, दोस्तों तो रेडी हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। प्लस डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं मैं पूरा सारी सिनेरियो का। बात करते हैं सेकंड चीजों के बारे में। तो ये जो हायरिंग हो रही है, कतर एयरवेज हायरिंग कर रहा है। प्लस इसके लिए आपको किसी बाहर शहर में जाके इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, आप जो इंटरव्यू दोस्तों घर बैठे बैठे दे सकते हो, बिकॉज ये है वर्चुअल ट्राइब ऑफ कतर एयरवेज। दूसरी चीज, तनख्वाह कितनी मिलेगी दोस्तों? तनख्वाह मिल जाएगी अप्रोक्स आपको 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से तनख्वाह मिल जाएगी। बहुत से लोग दोस्तों फालतू की बात करते हैं कॉल पे कि इंटरनेशनल एयरलाइंस कैसे ज्वाइन करेंगे। दोस्तों यही तो वैकेंसी है, यही वो मौका है। अगर अभी ये मौका छूट गया भाई, फिर मुश्किल है दोस्तों। बस आप बता दूं, बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि हम डायरेक्टली इंटरनेशनल एयरलाइंस कैसे ज्वाइन करें। दोस्तों ये मौका है, ये मौका छूट गया ना तो भाई फिर डोमेस्टिक ही ज्वाइन करना दोस्तों, दैट विल मच मोर बेटर ऑप्शन फॉर यू। अभी वैकेंसी आई है कतर एयरवेज के 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, जो डायरेक्टली ज्वाइन कर सके कतर एयरवेज। अब मजे की बात यह है कि ये वैकेंसी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिस इंटरनेशनल एयरलाइंस जहां पे वो कतर में रहकर काम करना है, तनख्वाह मिल जाएगी 1 से 1.5 लाख रुपए के। प्लस आपको फ्री में रहने खाने की सुविधा भी मिलेगी, प्लस आपको कैब की फैसिलिटी मिलेगी। बस आपके आपको होटल का दोस्तों आपको घर मिलेगा, वहां पे 3 BHK फ्लैट मिलेगा, वहां पे आप रहोगे और वहां से रह के आपको आना जाना करना है एयरपोर्ट, वो भी पिक एंड ड्रॉप भी कतर वाले ही, मतलब इनकी जो प्राइवेट कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इतना समझ में। बात करते हैं इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं और कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों एक चीज और, एयरलाइन ज्वाइन करने किसी भी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट को मत ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पैसे मत डुबा लेना। आपको करना है सिर्फ इंटरव्यू क्रैक, और ये इंटरव्यू क्रैक करके दोस्तों ये नौकरी आ जाने वाली है आपके हाथों में। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, क्या हमें कोई एग्जाम देना है? जी दोस्तों, कोई भी एग्जाम नहीं देना, सिर्फ क्रैक करना है एक इंटरव्यू और नौकरी आपके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो जैसे देख सकते हैं कतर एयरवेज के पीछे कैबिन क्रू है। एक चीज और, अगर आपने नौकरी पा ली एज अ ग्राउंड स्टाफ, कहां आपने नौकरी पा ली एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो फ्यूचर में आप इसी एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू भी काम कर सकते हो। बट शर्त है वो ग्राउंड स्टाफ तो बनो, एक बार एयरलाइंस ज्वाइन करने दोस्तों उसी में रास्ते खुलते जाएंगे, आप उसी एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू भी काम कर सकते हो, रास्ते खुलते जाएंगे बनते जाएंगे। ठीक है भाई, दोस्तों देख सकते हैं कतर एयरवेज का ये कैबिन क्रू वगैरह लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दे आर ब्रीफिंग चल रही है, उन लोगों की सेफ्टी ब्रीफिंग चल रही है। ठीक है, बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाई, ये मेल कैबिन क्रू है, इधर पे फीमेल कैबिन क्रू है। ठीक है, अलग अलग कंट्री के लोग आए हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए, ये है कैबिन सुपरवाइजर। ठीक है भाई, समझ में आए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, वैकेंसी कहाँ पे दोस्तों? ये वैकेंसी आई है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो फटाफट से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें जिसका नाम है एविएशन लाइफ जॉब अपडेट। दोस्तों देख सकते हैं ये है वर्चुअल रिक्रूटमेंट ड्राइव एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑपरेशंस। किसके लिए दोस्तों? एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन। ये वैकेंसी बहुत कम आती है, अभी आई हुई है। अगर आपने अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके तैयारी नहीं करी और फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो ऐसी वैकेंसी बहुत दूर दूर तक नहीं आने वाली। फिर आपको डोमेस्टिक एयरलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर कुछ साल काम करोगे, फिर तजुर्बा दिखाओगे, फिर आप यहाँ पे आओगे दोस्तों। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बेहतर है कि यू कैन डायरेक्टली एंटर हियर। चलिए बात करते हैं कैसी क्या क्या चीजें हैं। ओके, एक चीज और आपको करना है कि टेलीग्राम में यहाँ पे क्लिक मार देंगे। टेलीग्राम में जैसे ही क्लिक मारेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो लिंक है ना, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको जॉब की अपडेट तुरंत तुरंत मिलती जाए। ठीक है भाई, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एविएशन लाइफ जॉब अपडेट जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे 5,500 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पर चलिए मैं शेयर कर देता हूँ इस लिंक को। ओके, तो चलिए मैंने लिंक शेयर कर दी है। ठीक है, चलिए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं और बाकी चीजों के बारे में वन बाय वन आपको मैं एनालिसिस देता हूँ। एक चीज बता दूं कि भाई एडमिशन चालू हो गए हैं। किस चीज के लिए दोस्तों? एडमिशन चालू हो गए हैं फॉर फाइनल कॉल टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स। दोस्तों अगर आपको ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना चाहते हो, अलग अलग एयरलाइंस में काम करना चाहते हो, दोस्तों आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इस माने में आशीष कुमार साहू, आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एविएशन लाइफ अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, विद द हेल्प ऑफ माय क्लासेस वी हैव गिवन मोर देन 700 टू सिलेक्शन एयरलाइंस इंडस्ट्री। दोस्तों मेरे पास 10 से भी ज्यादा साल का वर्किंग एक्सपीरियंस और मैंने डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस में हायर पोजिशंस में काम किया है। और अगर आप मेरी क्लासेज ज्वाइन करते हो तो इसकी मदद से आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हो और घर बैठे बैठे इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकते हो, इंटरव्यू निकाल सकते हो। दोस्तों हमारे क्लास में आपको मिलेगा
फ्री सीवी, फ्री कवर लेटर, सर्टिफिकेशन, रेफरेंस, एक मंथ की मास्टर क्लासेस, मॉक इंटरव्यू, पीडीएफ नोट्स और इंटरव्यू के लिए आपको रेफरेंस भी मिलेगा, चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइंस हो चाहे डोमेस्टिक एयरलाइंस हो। दोस्तों फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो क्योंकि मैं सिर्फ बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को हम लोग एडमिशन देते हैं, तो अभी लास्ट फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। तो ठीक है, देख सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स इंटरव्यू क्रैक कर रखा है, आई बटन में जाके देखिएगा आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पे आके और भी फोटोज वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वी हैव अ स्टूडेंट्स वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, और यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल कोर्स हैं, एक मंथ का क्रू का कोर्स है जो कि आप ज्वाइन कर, बिकॉज मैंने मल्टीपल क्रू के भी इंटरव्यू क्रैक किए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको बताऊंगा, सीक्रेट स्ट्रेटजी सीक्रेट का 3 मंथ का भी कोर्स है, तो 3 मंथ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जितना आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करोगे उतने में आपको क्रैश कोर्स में डिस्काउंट मिलता जाएगा, आप 1 साल का कोर्स करोगे तो उसमें आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, 1 मंथ 6 महीने का कोर्स करोगे तो दोस्तों 13,000 में पड़ जाएगा, और ज्यादा डिस्काउंट पड़ जाएगा, मतलब जितना लंबा टाइम ड्यूरेशन पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलते जाएगा हमारी क्लासेस में। बात करते हैं वर्चुअल ड्राइव जो आई हुई, दोस्तों ये जो वर्चुअल ड्राइव आई हुई है कतर एवियस के ऑफिशियल वेबसाइट में, ध्यान देना इनकी जो वैकेंसी होती है स्पेसिफिकली कतर एवियस के ऑफिशियल वेबसाइट में ही आती है, और अभी ये वैकेंसी आई हुई, इसका लास्ट डेट है 31/8/2024, मतलब अभी टाइम है, बट शर्त कोशिश करना जितनी जल्दी अप्लाई कर सके आप लोग। चलिए डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में वन बाय वन। ओके दोस्तों, ये जो है किस चीज की हायरिंग, दोस्तों ये जो हायरिंग कर रही है कंट्रोल सेंटर ड्यूटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑपरेशंस ऑफिसर और सिक्योरिटी सीसीटीवी एजेंट एंड एक्सेस कंट्रोल, तो मल्टीपल पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं लोग। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, एक बार मैं पेन निकाल लेता हूं अपना ताकि आपको समझाने में आसानी हो गाइस। ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या क्या चीज मांग रहे हैं तो उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, ओके तो ये जो हायरिंग हो रही है ये किस चीज की है, हाई स्कूल की हायरिंग हो रही है, जहाँ पे 12th पास वालों की हायरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप क्लास 12th पास हो नौकरी करना चाहते हो दोस्तों, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला हाई स्कूल। नेक्स्ट जो हायरिंग दोस्तों वोकेशनल, और आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए और या फिर वोकेशनल या डिप्लोमा या बैचलर क्वालिफिकेशन रहेगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कितनी है, क्लास 12 पास। लेकिन अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में एडवांटेज मिलेगा, इफ यू हैव डन बैचलर्स, फॉर एग्जांपल आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल, सो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग एडवांटेज। लेकिन गाइस आई एम ऑलरेडी नेक्स्ट एयरलाइंस एम्प्लॉय, अगर एक ही बार फॉर्म भरूंगा तो ही शॉर्टलिस्ट कर लेंगे वो लोग, बट शर्त है आई एम हियर टू ट्रेन यू, आई एम हियर टू कोच यू, तो यू विल डेफिनेटली गेटिंग एडवांटेज इफ यू आर हैविंग दोस्तों What if you're having bachelor's degree? बात करें next, ऐसे लोग की requirement जो कि दोस्तों willingness हो दोहा में relocate करने के लिए। बात करते हैं interview कहाँ पे conduct होगा, वो तो इंडिया में ही conduct होगा, नौकरी कहाँ पे करनी पड़ेगी दोस्तों, वो आपको करनी पड़ेगी दोहा कतर में रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। बात करते हैं next चीज के बारे में, ऐसे लोग की requirement है एयरपोर्ट एयरलाइंस एक्सपीरियंस मैंडेटरी बोल रहा है ये। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बिकॉज कई लोग सेलेक्ट होते हैं और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इफ यू इंटरेस्टेड अप्लाइंग इन एनी पोजीशन प्लीज अपलोड योर सीवी एंड कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो करना क्या, अप्लाई करना, आपको सीवी अपलोड करनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो नीचे आ जाते हैं दोस्तों, नीचे आने के बाद करना क्या, आपको अप्लाई नाउ में क्लिक मार देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ में क्लिक मारोगे आप, ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ में क्लिक मारोगे तो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि इनका जो है पोर्टल खुल जाएगा। अब इस पोर्टल में ध्यान देना कि ढंग से फॉर्म भरना, अगर यहीं पर गलती कर दोगे तो आपका ना फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा ना सीवी शॉर्टलिस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वर्चुअल रिक्रूटमेंट ड्राइव, मतलब इंटरव्यू जो कंडक्ट होंगे ऑनलाइन कंडक्ट होंगे, बिल्कुल ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। करना क्या है, आपको अपलोड सीवी करना है, अपना नाम वगैरह सब चीज़ भरना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर में आपको कंट्री कोड में इंडिया डालना है, नेशनैलिटी में दोस्तों मिड फ्रंट में पहले आपको टाइटल में मिस्टर मिसेज डाल दीजिए, जो भी आपका टाइटल है। ठीक है, फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखिए, समझ में आया, नाम लिखना आप लोग को, मिडिल नेम आपको मिडिल का नाम लिखना है, क्या आपका मिडिल नेम, जैसे मिडिल नेम कुमार है तो कुमार लिख दिया मैंने। ठीक है, लास्ट नेम मेरा है दोस्तों साहू, तो मैं साहू लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट, कंसीडर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कौन से कंट्री में रहते हो दोस्तों, आप रहते हो इंडिया में तो इंडिया चूज कर लीजिए। इस तरीके से आपको दोस्तों फॉर्म भरना है। अगर आप चाहते हो कि फॉर्म फिलअप कर अलग से वीडियो बनाऊं तो दोस्तों काइंडली डू 100 लाइक्स इन द वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। नेशनलिटी में दोस्तों लिखना है इंडिया। ठीक है, कंट्री कोड में लिख देंगे +91, क्योंकि देखा होगा ना अपने फोन नंबर का आपके +91 लिख रहे थे वही कंट्री कोड है आपका। मोबाइल नंबर लिख दोगे, ध्यान देना है ऐसा मोबाइल नंबर लिखना जिसमें आपको कॉल कर पाए, ईमेल आईडी बिल्कुल सही से लिखना जिसमें आपको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, क्या आप कतर के पहले एम्प्लॉय हो, पहले से एम्प्लॉय हो, नो। ठीक है, तो भाई समझ में आएगी नहीं कैसे करना है, सोर्स टाइप कहाँ से पता चला आपको, सोशल नेटवर्क से पता लगा। ठीक है, और क्या सब सोर्स कहाँ से पता चला, कायदे साहब तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी भर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप दोस्तों इंस्टाग्राम डाल सकते हो,
ठीक है, कोई रिलेटिव कतर में काम कर रहा है क्या, नो कर रहा है, फिर आपको आगे बढ़ना है, फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है भाई, समझ में कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है और आगे बढ़ जाना है। और दोस्तों एक चीज और कि भाई इस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती है तो। ध्यान देना, कब, जब सीवी शॉर्टलिस्ट होती है तो, अगर सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती तो आपको नहीं बुलाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट चीज में दोस्तों, एक चीज और चीज की भाई, एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, ग्राउंड शॉप बनना चाहते हो, कैबिन को बंद देख सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं गूगल मीट में, दोस्तों आजकल जमाना बदल गया है, ऑफलाइन अगर रहोगे दोस्तों वहां पे एजुकेशन आपको कॉस्टली पड़ेगी, प्लस दूसरी चीज यहाँ पे क्वालिटी लोग नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन में क्या है कि आप इसमें पार्ट बाय पार्ट पेमेंट कर सकते हो, प्लस ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो कि इंडिया में है दोस्तों, एविएशन लाइफ के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंशु जो है दोस्तों काम कर रही है एयर इंडिया में एज अ कैबिन क्रू, प्रिया काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू, देख सकते हैं ये जो काम कर रही है टिविशन ने क्रैक कर दिया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का कैबिन क्रू, रघु ऋषि का शी इज वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू, ठीक है, अलग सॉरी इंडिगो एयरलाइंस ग्राउंड शॉप हैदराबाद बेस। ठीक है, तो भाई इस एक क्लास में कितने की स्ट्रेंथ है, 5, 3, 5, 10, 20, 19 की स्ट्रेंथ में दोस्तों 10 लोग सिलेक्टेड है एक बैच से, देख सकते हैं कितना हैवी सिलेक्शन दे रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, एक चीज और, अगर आपको सच में एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पे मैं शेयर कर रहा हूँ सीक्रेट स्ट्रेटजी, सीक्रेट फॉर्मूला, मैं 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल कंपाइल करके दोस्तों लेकर आ गया आप लोग के लिए सिर्फ एक मंथ की मास्टर क्लासेस में, जहां पे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, कट शॉर्ट बात करेंगे और आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज देख सकते हैं आप लोग, तो कतर एवरेज दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे जतिन पहले वहां पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, बट अभी जो है सॉरी जतिन वहां पे लाइव पढ़ रहा था वीडियो में, देखना पीछे करके आप लोग मतलब देखना, ये पुरानी फुटेज है, ये दोस्तों नई फुटेज है। अभी जो है जतिन काम कर रहा है कहाँ पे, चंडीगढ़ बेस में ऐसा ग्राउंड शॉप, दोस्तों अगर वो सिलेक्ट हो सकता है तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, सही गाइडेंस मिलेगी, सही नॉलेज मिलेगी, तो आपको कोई ताकत नहीं रख सकती सिलेक्ट होने के लिए। प्लस मेरे क्लास में आपको मिलेगा फ्री सीवी, रिकॉर्ड लेटर फॉर लाइफ टाइम, मॉक इंटरव्यू, पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेशन, प्लस मिलेगा दोस्तों रेफरेंस भी इंटरव्यू के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने, प्लस जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं जिस तरीके से पूछे ना, उसका पहले से पेपर लीक कर रहा हूँ, इंटरव्यू का पेपर लीक कर रहा हूँ अपने क्लासेस में, तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो ही ज्वाइन करिएगा, डोंट पास माई टाइम बाई आस्किंग बुलशिट एंड फुलिस क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो फटाफट से मैसेज भेजिए अगर सच में इंटरेस्टेड है तो, एंड गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, डोंट फॉरगेट टू फ्लाई इन द स्काई।